स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपका बैक टू बैक आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं एंड आपके पूरा कंटेंट आपका एमएस सोशियोलॉजी से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऑलरेडी हमारी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर सभी पर हमारी वीडियोज अवेलेबल है, तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपने एमएमए सोशियोलॉजी चूज किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के पेपर में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज के वीडियो में पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 पर ऑलरेडी हमारी डिस्कशन हो चुकी है, तो आप जाकर के वो देख सकते हैं। तो एग्जाम से पहले जरूर देख करके जाए, इससे आपकी काफी हेल्प होने वाली है आपके एग्जामिनेशन में। ओके मेरे दोस्त, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करो और भी लोगों तक शेयर करो, जिससे कि और भी लोगों तक ये चीज पहुंच सके और उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज हम बात करते हैं आपसे, ये देख सकते हैं आपके सामने ये पेपर रहा, पेपर कोड है आपके पास 4684, एमएस सोशियोलॉजी का ये थर्ड पेपर है और इसका नाम है आपका सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि इसको कहते हैं विकास का समाजशास्त्र, आपने पढ़ा होगा। एंड इसमें हम बात करते हैं, टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स है आपका 75 मार्क्स। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड, सबसे पहले देखो जब भी आपको पेपर दिया जाए ना तो सबसे पहले आपको नोट पढ़ना, क्योंकि ये आपका टाइम बचत करता है। कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कैसे करने हैं, क्या उसका तरीका होगा, ये चीज बताता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार हम ना जल्दबाजी में हम नोट्स नहीं पढ़ते हैं एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे करने लगते हैं जो कि हमें करना ही नहीं है, एंड इस वजह से हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे छूट जाते हैं जिसको हमें छोड़ना नहीं है। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो बात करते हैं, इसमें नोट लिखा हुआ है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस ए बी एंड सी एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन ईच सेक्शन, सेक्शंस ए बी सी आर कैरिड 936 एंड 30 मार्क्स रिपीटेडली, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर, इफ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर देम इन कंटिन्यूएशन। यानी कि कह क्या रहा है आप देखो समझो, अगर आपने इंग्लिश में नहीं समझा तो हिंदी में समझ लीजिए कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में बटा हुआ है, प्रत्येक खंड के सामने जो निर्देश दिया गया उसका फॉलो करना है। आभासा में क्रमशः 9, 36 और 30 अंक मिलेंगे, अभ्यर्थी प्रश्नों का उत्तर क्रम से लिखें। यदि कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें कई पार्ट्स हैं, कई भाग है, तो उनके उत्तर एक तारतम्य में लिखें, मतलब एक के बाद एक पूरा लिखते चले जाएं। ओके, तो आप देखते हैं यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है सेक्शन नंबर ए, आप देख सकते हैं यह आपका खंड आ है, सेक्शन ए है, जिसमें आपका पहला सेक्शन ए जो है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें आते हैं। कौन से क्वेश्चन? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एंड इसमें दिया हुआ है नोट देख सकते हैं, कह रहा है आपसे दिस सेक्शन कंटेंट्स ओनली वन क्वेश्चन, यानी कि देखो एक क्वेश्चन ही कंटेंट कर रहा है, ओनली वन क्वेश्चन कंटेंट कर रहा है, व्हिच कंसिस्ट ऑफ 5 सब क्वेश्चन, यानी कि इसके 5 सब क्वेश्चन ए बी सी डी ई, तो इसके क्या है 5 जो है सब क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 3 सब क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, यानी कि इन 5ों में से किन्हीं 3 को आपको अटेम्प्ट करना है। इच सब सेक्शन कैरीज 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा और वर्ड लिमिट है आपका 50 का, यानी कि 50 वर्ड आपको एक क्वेश्चन के आंसर में देना है। एंड आपको मिलेंगे इसके लिए कितने नंबर, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलने वाले हैं, तो 3 क्वेश्चन आपको करना है, तो 9 नंबर आपका मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है 9 नंबर आपका ए कर रहा है, तो 9 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला आपके सामने दिख रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि क्या होती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है कि जब किसी देश का एक एक पर्सन का जो इनकम होता है वो ग्रो कर रहा होता है, तो व्यक्ति का क्या होता है आर्थिक वृद्धि भी होता है, वो समाज का आर्थिक वृद्धि होता है, उस देश की आर्थिक वृद्धि होती है। तो यह है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। बी बात करते हैं सामाजिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट क्या है। तो ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हो ना, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, ये आपको हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, बीए थर्ड ईयर की जियो सॉरी बी एस एमए है आपका, एमए फर्स्ट ईयर की जो है सोशियोलॉजी का पेपर 3 आप उठाओगे उसका पहला ही चैप्टर में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन वालों का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान हो पा रहा है इस समय ना, तो इस वजह से थोड़ा सा बीए का नाम ज्यादा आ जा रहा है, क्योंकि आपने दूसरा चैनल देखा होगा मेरा बीए स्टडी वाला, तो उस पर भी काफी हैं, 3 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी लगातार काम किया जा रहा है, तो एफर्ट्स लग रहे हैं, तो कभी कभी नाम निकल जाता है उनका। सी नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, विश्व व्यवस्था सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताओ कि विश्व किस तरीके से व्यवस्थित है, थ्योरीज का पालन कर रहा है, फॉलो कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके बारे में बात करना है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है डी नंबर की जो है पेरिथेरिटिकल कैपिटलिज्म, यानी कि परिधीय पूंजीवादी की एक परिधि के अंतर्गत पूंजीवाद का क्या नियम है, क्या रूल है, उसके बारे में बात करना है। एंड ई है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषित विकास, यानी कि ऐसा विकास जो विकास हो भी रहा है और उससे इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रॉब्लम क्रिएट हो, यानी कि एक लंबे समय तक जो विकास को सस्टेन किया जा सके, वो कहलाता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से आपके पास ये 5 क्वेश्चन हैं, इन 5ों में से 3 का जिसको भी आपको लग रहा है कि दैट विल बी इजी फॉर यू, आप उस क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन 5ों में से जो भी आपको लग रहा है आसान, आप उसके साथ जा सकते हैं।
इसके बाद आपका स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर बी खंड बा, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप के आंसर देने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के। तो इसमें कह रहा है, आपको नोट कर रहा है कि अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चंस आउट ऑफ द 7 सब क्वेश्चंस, यानी कि 4 सब क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, जो कि क्या कर रहा है, सॉरी 7 में से 4 का देना है। ईच सब क्वेश्चंस का इज 9 मार्क्स, एक क्वेश्चन के लिए 9 मार्क्स, 4 करने हैं, 36 मार्क्स आपका यहां से आएगा। वर्ड लिमिट है आपका 225 वर्ड्स, यानी कि एक क्वेश्चन पर 225 वर्ड लिखने हैं, एंड आपको 9 नंबर मिलेंगे। इसमें आप देख सकते हो दूसरे का में जो है एक नंबर क्वेश्चन आपका है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेजर सोशियोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के मुख्य समाजशास्त्रीय सूचकों पर टिप्पणी लिखनी है कि वो कौन कौन से समाजशास्त्रीय सूचक हैं जिनको देख करके हमें पता चलता है कि हाँ ये इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये इकोनॉमी नहीं ग्रो कर रही है। तो उसके बारे में बात करना है कि अच्छे तरीके से आप समझाओ कि विकास के प्रमुख समाजशास्त्रीय सूचक कौन कौन से हैं। तो दूसरे का ए नंबर क्वेश्चन आपका ये है। बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक्सप्लेन मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में व्याख्या करो। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होती है, वो अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि भी हो, उद्योग भी हो, अलग अलग चीजें, मतलब एक अर्थव्यवस्था को मिश्रित होकर के, मिक्स होकर के डेवलप कर रही हो, तो वो कहलाता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे है आपका सी नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है एक्सप्लेन सेलियंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट अंडर डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू आंद्रे गर्डर फ्रेक, यानी कि जो आंद्रे जो गोर्डर फ्रेक हैं उनके द्वारा प्रतिपादित एक पूंजीवादी अल्प विकास के मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करो कि पूंजीवादी अल्प विकास क्या होता है, ऐसा जो है गोर्डर फ्रेक महोदय ने इस पर अपना विचार रखा हुआ है, तो उसके बारे में आपको बात करनी है। अगला क्वेश्चन है आपका डी नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि हाईलाइट द मेजर चैलेंजेस रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, यानी कि जो विकासशील समाज है उनके विकास में संबंधित जो प्रमुख चुनौतियां आ रही हैं उन पर प्रकाश डालो कि जो डेवलपमेंट कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल हमारी इंडिया कंट्रीज है, तो उसके डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, सबसे मेजर क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनके डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बाधा आती है उनके सोसाइटी, समाज, लोग, क्योंकि लोग जो है उतने एजुकेटेड होते नहीं है, लोग उतने ज्यादा जो इन चीजों में भाग ले नहीं रहे होते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे डिस्क्राइब WW रास्टोस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, विकास में WW रोस्तो के सिद्धांत के बारे में वर्णन करो कि WW रोस्तो ने विकास पे अपना क्या सिद्धांत दिया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपसे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोशल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, सामाजिक संरचना और इसके विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके यहां पर जो है एक क्वेश्चन और है, डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास को परिभाषित करो और यह किस प्रकार से पूर्व विकास की प्रणाली से भिन्न, यानी कि जो हम अभी तक सामाजिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे, सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे, उससे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किस तरीके से भिन्न है, इसके बारे में बात करना है और वो क्या है बेसिकली उसके बारे में डिफाइन करना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, एक क्वेश्चन यहां है, 5 क्वेश्चन यहां है, 6 एंड एक क्वेश्चन यहां है 7। तो कह रहा है 7 सब क्वेश्चन है जिनमें से केवल 4 का करना है, तो इन 7 में से आप देखोगे कि आपके अकॉर्डिंग 4 सबसे इजी कौन सा आपको पढ़ रहा है, उन 4 क्वेश्चंस के साथ आप जा सकते हैं एंड 225 वर्ड्स में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है सेक्शन नंबर सी खंड नंबर 7। खंड नंबर 7 में आप देख सकते हैं इसमें है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि इसमें आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा गया है, जिसमें आपको नोट दिया हुआ है अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चंस फ्रॉम द 4 सब क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेशन, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर, आपको 4 में से 2 को अटेम्प्ट करना है। एंड कह रहा है एक क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन का आंसर आपको 475 वर्ड्स में लिखना है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं यहां भी मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा और इसके 4 सब क्वेश्चन हैं ए बी सी डी, इन 4 में से किन्हीं 2 का ही आंसर देना है। आप देख सकते हैं ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट ए नोट ऑन द रिलेवेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी, सतत विकास को परिभाषित कीजिए, जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको परिभाषित करो और समकालीन समाज में सतत विकास के प्रासंगिकता पर एक टिप्पणी लिखो, यानी कि कह रहा है कि सतत विकास, सतत विकास मतलब एक ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे, रुक ना जाए कि हमने कोई हमारे पास कोई चीज है और उसका हम इतना ज्यादा यूज कर लें कि वो खत्म ही हो जाए और फिर हमारे आने वाले लोगों को वो चीज मिल ही ना पाए। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि अभी हमारे पास जो भी चीजें ईंधन के रूप में आप देख रहे हो, चाहे पेट्रोल देख रहे हो, डीजल देख रहे हो, जो है पेट्रोलियम गैस देख रहे हो, यह सभी एक लिमिटेड दायरे में है और एक टाइम के बाद वो चीज खत्म होने वाली है, तो उसका हमें ऐसे यूज करना है कि हमारी आने वाली जनरेशन उसका यूज कर सके, उसको तभी यूज करना है जब उसकी आवश्यकता है, बेवजह बेफजूल में उन चीजों का यूज नहीं करना है, उनका उतना यूज करना है और उसका इस तरीके से
अल्टरनेटिव ढूंढना है कि हमारे आने वाली जनरेशन भी विकास में बढ़ती रहें, ये नहीं कि अचानक से पेट्रोल ही खत्म, पेट्रोल है ही नहीं, अब गाड़ियाँ किससे चलें। तो मतलब हमको क्या करना है, कैसे विकास को डेवलप करना है जो विकास क्या हो, सतत चलता रहे। समकालीन समाज में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपको देखोगे अभी इस टाइम पीरियड पर देखोगे श्रीलंका में प्रॉब्लम्स कितनी क्रिएट हो चुकी, कितने बड़े रूप पर श्रीलंका में पैनिक हो रहा है, पाकिस्तान में पैनिक हो चुके हैं अभी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें ना हो तो उसके लिए सतत विकास बहुत आवश्यक है। बी नंबर क्वेश्चन इसके लिए आपका है, डिस्कस द मेन चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, भारत के संदर्भ में विकास के मुख्य चुनौतियों पर चर्चा करो कि हमारा जो इंडिया है, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि विकास क्या है, किस लेवल पर विकास हो रहा है, कैसे विकास को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, तो वो कहलाता है आपका जो है भारत के संदर्भ में विकास की प्रमुख चुनौतियां। तो उस पर बात करो कि कौन सी चीजें हैं जो भारत में विकास के लिए चुनौती बनी हुई है, भारत को विकसित होने से रोक रही है, कौन सी चीज है ऐसी। सी नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है आपसे कि डिफाइन डेवलपमेंट एंड डिस्कस डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास को परिभाषित करो और विकास के विभिन्न मॉडल्स को परिभाषित करो, मॉडल्स पर चर्चा करो कि विकास को लेकर के तमाम सारे विद्वानों ने अपने अपने मॉडल्स दिए हैं, उन मॉडल्स के बारे में आपको चर्चा करनी है। एंड डी नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है आपसे डिस्कस द आइडिया ऑफ बी एफ हॉस्लिटिस एंड डब्ल्यू ए लेविस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के संबंध में बी एफ हॉस्लिटिस एंड डब्ल्यू ए लेविस के विचारों पर चर्चा कर रही है कि इन्होंने विकास को लेकर के क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, क्या विचार दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके पास ये चार क्वेश्चन है, इन चारों में से किन्हीं दो क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यू आर कंफर्टेबल विद दैट, तो आप उसके साथ जा सकते हो और अपने एग्जाम अच्छे तरीके से कर सकते हो। इस तरीके से आप देखो तीन सेक्शन में आपका ये पेपर बटा हुआ था, जिसको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो, पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज विजिट द चैनल, आपको इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट चाहिए वो सारा कुछ चैनल पर अवेलेबल कराया जा रहा है। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, जाइए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स जरूर लेकर के आना, और कमेंट करके बताना कि आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है। ओके मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।